नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पूरे देश में, पूरे विश्व में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं जिसके तहत पौधारोपण किया जाता है, लेकिन बिहार में इस बार विश्व पर्यावरण दिवस बहुत खास होने वाला है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत कर दी है। एक अणे मार्ग स्थित अपने आवास से उन्होंने पौधारोपण करके इसकी शुरुआत की है। लेकिन इस बार क्या खास होने वाला है आज के दिन के बाद, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से ही मिशन 5.0 पौधारोपण शुरू हो रहा है और आज से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग से कर दी है। उनके आवास से इसकी शुरुआत हुई है। तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पौधारोपण कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं और मिशन 5.0 पौधारोपण की शुरुआत हो गई है। इसका लक्ष्य है 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे पूरे बिहार में लगाना। आपको बता दें कि बिहार में ऐसे भी सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कई सारी चीज़ें करती आई है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की जिसका नाम जल जीवन हरियाली रखा गया और पर्यावरण के मद्देनज़र कई सारी कदम उठाए जाते हैं, कई सारे कार्यक्रम किए जाते हैं और बिहार बहुत अच्छी पहल कर रहा है पर्यावरण के मद्देनज़र जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत। आपको बता दें कि आज से यानी कि 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से लक्ष्य शुरू हो गया है 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का। इसमें बड़े पैमाने पर लोगों को शामिल किया जाएगा। सरकार की ओर से शुरू होने वाले इस अभियान में सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की मदद से 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 5 जून यानी आज से इसकी शुरुआत हो गई है। ये 9 अगस्त तक चलने वाला है। सरकार ने इसे मिशन 5.0 का नाम दिया है। वहीं सरकार की कोशिश है कि इस अभियान के जरिए पौधारोपण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान बनाया जाए। वहीं पौधारोपण की मुख्य जिम्मेवारी मनरेगा, जीविका दीदी और सभी सरकारी विभागों के जिम्मे होगा। इसके अलावा गैर सरकारी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थानों का भी सहयोग अभियान में लिया जाएगा। जबकि बिहार सरकार के द्वारा साल 2020 में 2.51 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन पूरे सूबे में 3.91 करोड़ पौधे लगाए गए थे। इसलिए इस बार ये लक्ष्य 5 करोड़ का रखा गया है। 5 करोड़ पौधे 64 दिनों में लगाने का लक्ष्य रखा गया है बिहार सरकार के तरफ से। मिशन 5.0 पौधारोपण इसका नाम दिया गया है और काफ़ी अच्छी पहल है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन से इसकी शुरुआत हो गई है। उम्मीद हम भी करते हैं कि ये जो पहल की जा रही है वो पूरे बिहार के लिए बहुत अच्छी साबित हो। आपको पता है कि ऑक्सीजन की किल्लत से लोग कितने जूझ रहे थे। अगर पौधारोपण होगा तो पर्यावरण फिर से हरा भरा हो जाएगा और लोग भी सही सलामत और दुरुस्त रहेंगे। लाइव सीरीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।